तो आज है हमारा डे 4 इन एंडमैन्स एंड आज हम लोग जा रहे हैं हैवलॉक से नील आइलैंड। हमारी कैब ने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया है एंड अब हम यहाँ फेरी पॉइंट से सीधे नेक्स्ट फेरी लेंगे टूवर्ड्स नील आइलैंड। हैवलॉक में हम लोगों ने अपने 2 दिन स्पेंड करे एंड आप लोग अगर चाहते हैं तो आप मेरे पुराने ब्लॉग में जाके देख सकते हैं कि हैवलॉक में हमने अपने 2 दिन किस तरीके से स्पेंड करे और हमने कौन सी जगह को एक्सप्लोर करा। आफ्टर स्पेंडिंग 2 डेज इन हैवलॉक टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द नील आइलैंड। तो अभी हम लोग आ गए हैं अपने जेटी पॉइंट पर एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर आर जेटी टू कम एंड हम लोग यहाँ से सीधे जा रहे हैं नील आइलैंड। हम लोग से नील जाने के लिए हम लोगों ने सेलेक्ट करी नॉटिका फेरी एंड हम लोगों ने bookmyboat.com से ही अपना बुकिंग कराई थी। तो आप लोग अगर चाहते हैं देखना पूरा ब्लॉग मेरा कि किस तरीके की रहती है ये नॉटिका फेरी, अंदर से कैसी होती है, क्या क्या सीट्स होती हैं इसके अंदर, तो आप लोग मेरा पुराना वाला जो व्लॉग है हैवलॉक का वो आप चेक कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है कि अंदर से ये फेरी किस तरीके की दिखाई देती है। सो नाउ आर फेरी हैज़ कम, हमारा सामान पूरा लोड हो चुका है एंड नाउ वी आर एंटरिंग इन टू द फेरी एंड अब हम लोग बैठ चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं अब सीधे नील आइलैंड देखने के लिए एंड एज यू ऑल नो हैवलॉक का वाटर पूरा ब्लू सी दिखाई देता है एंड लुक एट दिस, दिस इज़ लुकिंग सो प्रिटी। हैवलॉक से नील आइलैंड का डिस्टेंस है थ्रू फेरी अराउंड 40 to 45 minutes एंड नाउ एज यू ऑल कैन सी ब्लू कलर से पूरा सी का कलर अब चेंज हो रहा है एंड इट इज़ टर्निंग टू ग्रीन बिकॉज नील आइलैंड का कलर है ग्रीन कलर का। Finally, we have reached Neel Island and as you all can see, pura sea aapko yahan par green color ka dikhai de raha hai and it is looking amazing. Ye Havelock se bhi zyada beautiful hai. So, abhi hamari ferry se hamara pura saman unload ho raha hai and we are taking our bags and apna bags leke hum log ja rahe hain ab seedhe apne hotel ki taraf. So now we have come to Neel Island, जिसे कि शहीद द्वीप के नाम से अब जाना जाता है एंड हम लोग का अराउंड 30 to 45 minutes की फेरी थी एंड अभी हम लोग जा रहे हैं जेटी पॉइंट से अपने होटल की तरफ। द वाटर हेयर इज़ वेरी डिफरेंट, इट इज़ ग्रीन इन कलर। हैवलॉक में बीच साइड ग्रीन था एंड देन ब्लू था एंड यहाँ पे पूरा सी आपको ग्रीन दिखेगा एंड दैट इज़ जस्ट लाइक मालदीव्स में जैसे है ट्रांसपेरेंट सी एंड यू कैन सी थ्रू एवरीथिंग इनसाइड द ओशियन। आई लव द वाटर यार, इसका बहुत अच्छा पानी है। पॉइंट से बाहर आने का रास्ता बहुत लंबा है तो प्लीज़ आप लोग पोर्टर ज़रूर हायर कर लीजिएगा, 100 rupees टोटली पोर्टर लेता है। एंड अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, हम लोगों ने अपनी कैब कर लिया है, अब हम लोग सीधे जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ। सो आज का हमारा स्टे है सिम्फनी समर सैंड्स, जो कि पूरे नील आइलैंड का सबसे बेस्ट रिजॉर्ट है। यहाँ के रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं, इनफैक्ट यहाँ के सारे लोकलाइज भी यही कहते हैं कि यहाँ का सबसे बेस्ट रिजॉर्ट यही है। सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक इन टू आवर रिजॉर्ट। ये है यहाँ का ब्यूटिफुल सा रिसेप्शन एरिया विथ ऑल द शैंडलर्स एंड अभी मैं आपको पूरा अपना रूम और रिजॉर्ट का टूर कराऊँगी।
रिजॉर्ट से पूरा बे बना हुआ है अपना चेक इन करने के बाद. अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम के अंदर, के बे से पूरा रास्ता जा रहा है डिफरेंट रूम्स की तरफ एंड वेरियस रूम कैटेगरी के ऑप्शंस हैं यहाँ पर. सो दीज ऑल रूम्स विच आर ऑन फर्स्ट फ्लोर, दीज आर कासा एयर एंड दीज आर कासा एक्वा द ग्राउंड फ्लोर वन. इसके सामने हर एक रूम के सामने पूल है. सो हम लोगों ने कासा एक्वा लिया है बिकॉज वी वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस दिस थिंग. सो देर आर सो मैनी रूम्स हेयर एंड इसके बैक साइड पर भी कुछ रूम्स हैं, दैट इज़ कासा अर्थ. ये है हमारा रूम, यहाँ से एंटर करते ही ये है सामने ब्यूटीफुल सा बेड लगा हुआ एंड बैक साइड में पूरा वॉल पेपर लगा हुआ है, सीलिंग पे पूरा वुड वर्क हो रखा है, साइड पे है दिस वन लैम्प, दिस वन टीवी एंड देर इज़ वन साइड काउच एंड ये है राइट साइड पे पूरा मेन डोर लगा हुआ जिसे ओपन करते ही सामने ब्यूटीफुल सा स्विमिंग पूल आ जाएगा, पूरा सिटिंग एरिया देन आफ्टर दैट एक स्विमिंग पूल वाला पूरा एरिया है. ये स्विमिंग पूल यहीं पूरी लेन में खत्म नहीं हो जाता, ये आगे जाता है पूरा स्ट्रेट एंड देन राइट साइड टर्न होके एंड देन उसके बाद जो मेन स्विमिंग पूल है यहाँ का रिजॉर्ट का उसको पूरा ये कनेक्ट करता है. सो दिस इज द वॉशरूम एरिया. ये है हमारे रूम का मेन एंट्रेंस वाला पूरा पैसेज एरिया. ये देखिए यहाँ से हम लोग आए थे, रिजॉर्ट के एंट्रेंस यहाँ से है. ये ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं, जो ऊपर वाले रूम्स हैं हमारे रूम के ऊपर जो रूम्स हैं ये उसको स्टेयर्स जा रही हैं पूरी. ये रहा पूरा यहाँ पर ये ब्रिज टाइप छोटा सा इन्होंने बड़ा डेकोरेटिव सा बना रखा है. ये सामने आपको दिखने रूम्स, यहाँ पर हमारा रूम है एंड ये देखिए सामने पूरा कनेक्ट कर रहा है. यहाँ पर जाके एक बड़ा सा पूल है रिजॉर्ट का जो कि पूरा पूल वहाँ पे कनेक्ट करता है. सबसे कॉस्टली जो रूम का प्राइस है वो है कासा एक्वा का बिकॉज ऑफ दिस स्विमिंग पूल फैसिलिटी. अराउंड 10,000 रुपीज़ का हमें ये रूम पड़ा था एंड कासा अर्थ थोड़ा सा इससे सस्ता है. सो आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली कोई भी रूम सेलेक्ट कर सकते हैं. आई जस्ट शो यू, ये था पूरा रिसेप्शन एरिया. ये देखिए ये है यहाँ का ये ह्यूज पूल, जो पूरा वो पूल एरिया है वहाँ पर कनेक्टिविटी उसकी ये मेन पूल के साथ है. यहाँ पर रात को इन्होंने पूल पार्टी रखी हुई है पूल साइड एंड इट्स अ ब्यूटिफुल पूल, बहुत ह्यूज है, बहुत नीट एंड क्लीन है एंड यही इस पूरे रिजॉर्ट का USP है. रूम में चेकिंग करने के बाद और थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद अब हम लोग सीधे आ गए हैं भरतपुर बीच देखने के लिए. नील आइलैंड में सबसे फेमस है भरतपुर बीच एंड यहाँ पर आपकी कैब आपको ड्रॉप करेगी एंड यहाँ से आप लोग सीधे वॉक करके जाएंगे भरतपुर बीच के लिए. अराउंड 2 to 3 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है. यहाँ पर बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं. सो अगर आप चाहते हैं यू कैन ऑप्ट फॉर एनी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी इफ़ यू विश टू डू. सो अब हम लोग वॉक करके जा रहे हैं सीधा भरतपुर बीच पर एंड ये देखिए यहाँ पर ये साइड पे बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई हैं जहाँ से कि आप चाहते हैं तो आप अपना शॉपिंग कर सकते हैं. आइलैंड के मेन अट्रैक्शंस हैं भरतपुर बीच, नेचुरल ब्रिज और सनसेट के लिए लक्ष्मणपुर बीच. सो अभी दोपहर के 12:30 हो रहे हैं एंड हम लोग आ चुके हैं भरतपुर बीच पर. तो वो सामने हमें दिखाई दे रहा है ब्यूटीफुल सा भरतपुर बीच. ब्यूटीफुल जो चीज़ है इस बीच की वो है यहाँ का सिटिंग एरिया, पूरा शेडेड है, बड़े बड़े ट्रीज लगे हुए हैं. यहाँ पर आप सैंड में सामने बैठिए एंड ब्यूटीफुल सा बीच देखिए और इसे एंजॉय कीजिए.
सो वी आर नाउ एट भरतपुर बीच एंड यहाँ सामने से हमारी फेरी यहाँ पे रुकी थी एंड उसके ये राइट साइड पर है पूरा भरतपुर बीच। यहाँ का पूरा वाटर एज यू ऑल कैन सी इज ग्रीन बिकॉज ऑफ द कोरल, कि बहुत क्लीन एंड नीट वाटर है एंड दिस इज वेरी ट्रांसपेरेंट, यू कैन सी एवरीथिंग इनसाइड। सो देयर इज द सिटिंग प्लेस हियर, कुछ बीच चेयर्स यहाँ पे लगी हुई हैं एंड ऑन दिस साइड दे हैव सम ईटरीज। This is all the corals here. And see this, पानी कितना ज्यादा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है। The water here is so transparent. And यहाँ का पानी का depth भी ज्यादा नहीं है। I'm going inside this sea. देखिए अभी भी सिर्फ मेरी लेग्स इतनी इतनी पानी में गई हैं और मैं काफ़ी अंदर आ गई हूँ। एंड सी दिस, यू कैन सी थ्रू फ्रॉम दिस सी, नीचे भी सब आपको दिखाई दे रहा होगा। बीच आप लोग 12 बजे पहुंच जाइए बिकॉज यहाँ पर आराम से आप लोग 2 से 3 घंटा अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंजॉय कीजिए, आराम कीजिए, बीच का मज़ा लीजिए एंड स्विमिंग करिए। दी मोस्ट ब्यूटिफुल बीच का नाम मैं भरतपुर बीच को दूंगी क्योंकि एक्चुअली में यहाँ की ब्यूटी, यहाँ की शांति, यहाँ का मज़ा कोई भी बीच बीट नहीं कर सकता। सो वी हैव कम ऑल द वे हेयर इनसाइड द सी एंड यहाँ पे पानी बहुत ही कम डीप है। से हम लोग वॉक करते हुए पूरा यहाँ तक आ गए हैं आगे तक एंड आई एम स्टैंडिंग हेयर एंड योर्स एज यू ऑल कैन सी सिर्फ मेरे नीज तक भी इनफैक्ट पानी नहीं है अभी। दिस बीच इज़ एक्चुअली फेमस फॉर स्विमिंग एंड ऑल एंड यहाँ पर काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं बट यहाँ मोस्टली लोग वाटर स्पोर्ट्स अवॉइड करके बीच को एंजॉय कर रहे हैं। सब लोग सी के अंदर गए हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं सामने, देखिए लोग सब बहुत और आगे तक भी गए हैं, वहाँ पर भी पानी डीप नहीं है। सी दिस, सो वी वर सिटिंग देयर एंड वहाँ से यहाँ तक मैं वॉक करके पूरा आ गई हूँ। दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस। भरतपुर बीच को हम लोगों ने एंजॉय कर लिया है, नाउ वी आर गोइंग टू द लक्ष्मणपुर बीच। लोग एक देखेंगे अभी यहाँ के नेचुरल ब्रिज देखेंगे और एक यहाँ का है सबसे फेमस लक्ष्मणपुर बीच जहाँ का सनसेट बहुत ज़्यादा फेमस है। सो अब हम लोग आ गए हैं नेचुरल ब्रिज देखने के लिए जो कि है 10 मिनट्स की ड्राइव फ्रॉम भरतपुर बीच एंड यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद अभी हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं पूरा स्टेयर्स चढ़ के टू सी दी नेचुरल ब्रिज फॉर्मेशन। 10 to 15 मिनट्स का पूरा वॉकिंग डिस्टेंस है आपके पार्किंग एरिया से टूवर्ड्स दी नेचुरल ब्रिज। नेचुरल ब्रिज जो है वो रॉक से नेचुरली क्रिएट हुआ पूरा ये स्ट्रक्चर है जो कि कोरल से बना हुआ है
एंड ये नेचुरली क्रिएट हो रखा है, किसी ने इसे बनाया नहीं है। एंड अगर आपकी लो टाइड्स होंगी तभी आप ये नेचुरल ब्रिज जो है वो देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे आने का जो करेक्ट टाइम है दैट इज़ 3:30 to 4:00, तब तक आप लोगों को यहाँ पहुँच जाना है, अदरवाइज हाई टाइड्स आ जाएंगे एंड फिर आप नेचुरल ब्रिज नहीं देख पाएंगे। तो अभी पूरा नीचे से स्टेयर्स जाके ये देखिए पूरा कोरल, आपको डेड कोरल दिख रहा है, पानी कितना दूर है बिकॉज लो टाइड्स है, तो तभी आप लोगों को नेचुरल ब्रिज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से पूरा वॉक करके हम जाएंगे नेचुरल ब्रिज देखने के लिए। सो सी दिस इज़ द नेचुरल ब्रिज जो कि अपने आप रॉक से पूरा फॉर्म हो रखा है एंड दिस इज़ एक्चुअली लुकिंग वेरी प्रिटी। एंड यहाँ पर आपको ये दिख रही है पूरा फिशेस वगैरह भी आपको यहाँ दिखाने ले जाएंगे जो कि एक्चुअली में एक डिफरेंट एडवेंचर है। तो अभी हो चुके हैं 4:40 और नेचुरल ब्रिज देखने के बाद एंड वहाँ पर कुछ खाने के बाद हम लोग सीधे आ गए हैं सनसेट पॉइंट पर। ये है लक्ष्मणपुर बीच। लक्ष्मणपुर बीच नील आइलैंड में फेमस है अपने सनसेट के लिए। सो आपकी कैब आप लोगों को पीछे ड्रॉप कर देगी। अराउंड 10 मिनट्स का पूरा वॉक करके आपको जाना है टूवर्ड्स लक्ष्मणपुर बीच। एंड एज़ यू ऑल नो कि बीचेस के ऊपर सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है, तो अगर आपको बीच पर सनसेट एंजॉय करना है तो आपको 4:30 पहुंच जाना है बीच पर। पूरा 10 to 15 minutes का वॉक करने के बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं लक्ष्मणपुर बीच के सनसेट पॉइंट पर। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इसकी एंट्रेंस, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत क्राउडेड प्लेस था ये, सब लोग यहाँ पर आए अपना सनसेट एंजॉय करने के लिए। तो सनसेट हो चुका है एंड अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट में सनसेट एंजॉय करने के बाद। तो अभी हम लोग रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं, अब हमारी है नाइट में यहाँ पूल पार्टी है, हम स्विमिंग करेंगे, पूल पार्टी एंजॉय करेंगे एंड देन वी विल गो टू स्लीप। About all my vlog for नील आइलैंड। नील आइलैंड में आप क्या क्या देख सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप रुक सकते हैं, सब कुछ मैंने इस vlog में डाला है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू। तो कल चेकअप करके हम लोग वापस जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर और अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी कि हमने अपना डे 5 इन एम्बुलेंस कैसे स्पेंड करा एंड पोर्ट ब्लेयर में और हमने क्या क्या चीज़ों को एक्सप्लोर करा। Do take care of yourself, stay happy, stay healthy and stay tuned for my next video.